बिजनौर थाना कोतवाली शहर के रम्मू के चौराहे के पास से एक मकान में नशे की हालत में रंगरेलियां मना रहा पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पटवारी और लड़की को शहर के काजीपाड़ा मोहल्ले के साजिद नाम के युवक के घर से गिरफ्तार किया। पुलिस को मोहल्ले वालों ने पटवारी के रंगरेलियां मनाने की सूचना फोन पर दी थी। उधर मौके पर पहुंची पुलिस जब इन दोनों को पकड़कर थाने ले जाने लगी तो वहां तमाशा देखने वालों का हुजूम लग गया। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद तहसील में पटवारी का काम कर रहे एक युवक सौरभ मलिक को पुलिस ने अपनी प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मनाते हुए शहर के एक कमरे में पकड़ लिया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस को पटवारी ने नशे में रौब गालिब करते हुए अपने को पटवारी बताया। उधर पुलिस से बदतमीजी करने पर पुलिस ने पटवारी को मौके पर ही 2-3 तमाचे भी लगाए। उधर पता चला कि पटवारी सौरभ अपनी प्रेमिका शालिनी के साथ रंगरेलियां आए दिन अपने दोस्त के कमरे में मनाने आया करता था। उधर इसी से नाराज मोहल्ले वालों ने आज इसकी शिकायत बिजनौर आबकारी पुलिस को कर दी। पता चला है पटवारी बिजनौर के नजीबाबाद तहसील में कार्यस्त है और बागपत जिले का रहने वाला है। उधर प्रेमिका मेरठ की रहने वाली बताई जा रही है जो नोएडा में किसी प्राइवेट संस्था में काम करती है। पुलिस इन दोनों को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर थाना कोतवाली शहर ले गई है। उधर थाना प्रभारी धामा ने बताया कि पुलिस को इन दोनों की सूचना मिली थी। इन दोनों को थाने लाया गया है, अभी इनसे पूछताछ जारी है। इनके घर वालों को बुलाया गया है। बातचीत के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।